नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हमने 27 तारीख से बैच शुरू किया था उसकी आज तीसरी क्लास है, और अपने दोस्तों के साथ क्लासें जरूर शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। आज हमारी इस बैच की तीसरी क्लास है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों के डाउट में आता है, क्योंकि मेरे से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते हैं, ठीक है, उनके डाउट में क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे होता है तो आप एक बार पेन और कॉपी लेके बैठा करें, पहले उसको खुद सोल्व करें, अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन चेक करें, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इतना नहीं सिखाऊंगा जितना आपको गलतियां सिखाएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी आप गलतियां करते, जो भी मिस्टेक करते हो, बस उन्हीं में सुधार करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में उसने हमसे ये कहा है, एक व्यक्ति चार जोड़े काले जुराब तथा कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर दिया, काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से दोगुनी है। चलिए देखें, इसने कहा है एक व्यक्ति ने चार जोड़े, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं ब्लैक, ठीक है, और यहां लिख देता हूं ब्राउन। उसने कहा कि जो काले जोड़े हैं वो कितने हैं, चार हैं, और जो ब्राउन है वो कितने हैं, एक्स है। ध्यान से देखिएगा, जो ब्लैक है वे चार है और जो ब्राउन है वे कितने हैं, एक्स है। इसके बाद इसने क्या कहा, इसके बाद ये हमसे कहता है काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग की जुराब की कीमत से दोगुनी है। इसका मतलब है कि जो ब्राउन कलर की अगर वो एक रुपया की है तो ये दो रुपया की आती होगी। अब देखिए इनमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखा रहा हूँ कि भाई जो आपको नहीं आती, जब आप खुद से पूछोगे तो वो सारी चीजें आप जानते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप भी कहीं मॉल में जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो और आपको ये पता चले कि ब्लैक वाला जो है वो चार रुपया का है, सॉरी चार जोड़े आपने खरीदने और वो दो रुपया का है, तो उसकी कीमत कितनी बैठ जाएगी, चार दुने आठ। और मान के चलो कि आपको पता चले कि ब्राउन वाले आपने एक्स खरीदे और उनकी कीमत कितनी है, एक रुपया है, तो टोटल कितने के बैठ गए, ये एक्स के बैठ गए। जब आपने इनको जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे, एट प्लस एक्स के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, एट प्लस एक्स के आपका बिल बनेगा, यानी कि एट प्लस एक्स आपका बिल बनेगा, ठीक है। अब सुनिए आगे की कहानी। अब इसने ये कहा कि ये ब्लैक जो है और ये ब्राउन, ठीक है, बिल बनाते टाइम जब काउंटर पे हम गए तो इनकी संख्या क्या हुई, इंटरचेंज हो गई। इनकी संख्या इंटरचेंज होने का मतलब ये है कि हमने ब्लैक कितने खरीदने थे, चार, तो चार हमने क्या खरीद लिए, ब्राउन। यानी कि बिल बनाते समय मिस्टेक हो गई और ब्राउन खरीदने थे एक्स, वो किसमें आ गया, ब्लैक की लिस्ट में आ गया, क्लियर है। अब यहां देखिए जो आपका रेट है वो कितना है, ये टू है और ये एक रुपया का था, तो आप गलती से यानी कि बाई मिस्टेक जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा हमारा, देखिए दो की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू एक्स हो जाएगा, और चार की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर इंटू वन कितना हो जाएगा, चार आ जाएगा। अब हमारा बिल जो बन रहा है वो इतना बन रहा है, देखिए दोस्तों अब जो हमारा बिल बनेगा वो टू एक्स प्लस फोर बनेगा, जो हमारा अब बिल बनेगा वो टू एक्स प्लस फोर बनेगा। अब यहां उसने ये बात कही है कि जो हमारा ये गलती से जो बिल बना है अब, ठीक है, ये पिछले वाले बिल से कितना है, 50% ज्यादा है। अब 50% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 50% यानी कि 50% का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब है कि अगर पहले वाला बिल हमारा जो है दो रुपया का था तो ये एक ज्यादा है, यानी कि 50% ज्यादा है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब ये हुआ कि अगर पिछले वाला हमारा बिल जो है वो दो का था तो ये एक ज्यादा है, मतलब ये तीन है, तो यानी कि पिछले वाले का ये कितना है, पिछले वाले का है ये 3/2, क्लियर है, और इसके ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी देखिए, तीन की मल्टीप्लाई हम अगर यहां करते तो कितना बनेगा, ये आठ थी 24 प्लस ये कितना आ जाएगा 3x, और जब दो की वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 4x, और दो की वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका सोल्यूशन यहां पे कर देता हूं, ध्यान से देखिए एक बार जरा, ठीक है। अब देखिए 3x को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, अब 8 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 24 में से 8 गया कितना बचेगा हमारे पास, 16। यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए यहाँ पे,
देखिए आप इस एक्स की जगह, यानी कि यहां इस एक्स की जगह आप कितना रख दीजिए, 16, ठीक है। तो जो ब्लैक है, यानी कि जो ब्लैक है और जो ब्राउन है, ठीक है, ये कितने हो गए, ब्लैक 4 हो गए और ब्राउन कितने हो गए, 16 हो गए। इसका मतलब हो जाएगा 4, यानी कि 1:4, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, यानी कि 1:4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। ये आपका सीपीओ 2013 में पूछा गया सवाल है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये ब्लैक और ब्राउन के जो संख्या थी, वो उसने कहा कि ब्लैक की 4 थी और ब्राउन की हमें पता नहीं, तो हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद जो ब्लैक का प्राइस है वो ब्राउन का कितना है, 2 गुना है। यानी कि अगर ये 1 रुपया का है तो ये इसका 2 गुना है, यानी कि 2 रुपया का है, ठीक है। अब देखिए, ये 4 जोड़े खरीदे और 2 रुपया का एक है, तो 4 दुने कितना हो गया, 8 रुपये का। और यहां अगर देखें तो ये ब्राउन कितना है, एक्स है, लेकिन इसकी कीमत है 1, तो इसका प्राइस कितना होगा, एक्स गुना 1, यानी कि एक्स, ठीक है। अब बिल बनाते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक हुई, और मिस्टेक होने की वजह से इनकी संख्या इंटरचेंज हो गई, यानी कि एक्स इधर आ जाता है और 4 इधर आ जाता है। यानी कि जो हमने ब्लैक खरीदने थे 4, वो किसके लिस्ट में आ जाएंगे, ब्राउन वाली की, ठीक है। तो यानी कि अगर ये 4 हो गए और ये एक्स हो गए, तो इसका प्राइस कितना है, 2 है, तो यानी कि 2 × x कितना हो जाएगा, इसका प्राइस 2x हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा 4 × 1, यानी कि 4। क्लियर है दोस्तों? तो यानी कि अब जो हमारा बिल बनेगा वो बनेगा 2x+4, वो बिल कितना बनेगा हमारा, 2x+4, ठीक है। अब ये हम जान गए कि जो नया बिल बना वो ये बना और जो पुराना बिल था वो ये था। देखो, पुराने वाला बिल ये है और नए वाला बिल ये है, लेकिन जो नए वाला बिल है वो पुराने वाले से कितना है, 50% ज्यादा है। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि पिछले वाला 2 है तो ये 1 ज्यादा है। इसका मतलब हो जाएगा कि जो नया बिल बना है वो पुराने वाले का कितना हो गया, 2 है, तो ये 1 ज्यादा, यानी कि 3/2, और 3/2 हो गया तो ये इसके इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 8 = 24, और ये 3x हो जाएगा, और इसकी 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4x हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। क्लियर है? और इसके बाद यहां से हमने देखा कि भाई x को हम उधर ले गए, ठीक है, तो 4x में से 3x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। और यहाँ देखिए 24 है, 8 को इधर लेके आएंगे तो यानी कि x का जो वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि ब्लैक और जो ब्राउन है हमारा, उसका रेशियो कितना बनेगा, अगर x की जगह हम यहाँ 16 रख देते हैं तो ये बनेगा हमारा ब्लैक और ब्राउन का 4:16, यानी कि 4 कॉमन है, काट देंगे तो 1:4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था और आज भी बता देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा कोई भी अगर आपका डाउट आता है, ठीक है। और जो बात मैं आपको पहले भी कही थी, क्लास के शुरुआत में भी कही थी, आप क्लास को शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आपको कुछ नई चीजें बताने का, कुछ अच्छा पढ़ाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यानी कि जो हमें, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे SSC CHSL DO LDC 2020, यानी कि CHSL में पूछा गया सवाल है, और पीछे वाला कौन सा था, CPO में पूछा गया था। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उनकी ही संख्या बदल के उनका रिपीटेशन होता रहता है, ठीक है। तो आप जो है, जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उनकी बढ़िया से उन पे कमांड कीजिए, ना कि क्वेश्चनों पे, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चनों के अंदर कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, आप उस पे ज्यादा कमांड करें अपनी, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, पिछली बार उसने क्या कहा था, यहाँ 40%, पिछली बार 50 था, यहाँ 40 कर दिया, संख्या में ही तो चेंज आ रहा है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। तो आप अपने कॉन्सेप्ट तैयार करें, और पूरे अर्थमेटिक में आपको बता देता हूँ कि 10 से 12 कॉन्सेप्ट होते हैं, बस पूरे 10 से 12 कॉन्सेप्ट में आपका टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस आप लास्ट तक क्लास को देखिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहले इस जैसा क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराया, तो आप इसे खुद एक बार बनाइए, ठीक है। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान से देखिए। हमने कहा एक व्यक्ति ने ब्रांड ए, मैं यहां लिख देता हूं ब्रांड ए, देखिए, और ब्रांड बी, ठीक है। ब्रांड ए की 4 शर्ट है और ब्रांड बी की हमें पता नहीं है 200 कितनी है, ठीक है। पर हमें यह जरूर बताया इसने कि ब्रांड ए की 1 शर्ट का मूल्य ब्रांड बी की शर्ट के मूल्य का 2 गुना, इनके ये अगर 1 रुपये का तो ये कितने का है, 2 का है। फिर से वही कहानी देखो, 4 × 2 = 8, और ये कितना हो जाएगा, एक्स। हमारा बिल कितना बनेगा, 8 + x बनेगा, ठीक है। अब फिर से हम वही बात करेंगे, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो ये ए है और ये बी है,
जब बिल बना बना रहे थे इसका, यानी कि काउंटर पे हम गए, हमने बिल बनाने के लिए बोला, तो वहां पे गलती से फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह वही मिस्टेक हुई, यानी कि जो संख्या थी वो इंटरचेंज हो गई। यानी कि ए कितने खरीदे हमने, चार, चार शर्टें थी तो चार तो ये हो गई और ये हो गई एक्स, और प्राइस इनका वही है, टू है और ये वन है। तो ध्यान से देखिए बिल कितना बनेगा, 2x + 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और अब जो बिल बन रहा है वो पहले वाले से कितना है, 40% ज्यादा है। देखो बिल में क्या हुई, 40% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यानी कि मैं सीधी सी आपसे यही बात कहूंगा, कभी पहले का बिल अगर 100 था तो अब का बिल कितना हो जाएगा, 40 ज्यादा हो जाएगा, 40% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये है, हम कहेंगे 20 सत्ते हो जाएगा और 20 पंजे हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 सत्ते 56 होगा, प्लस और ये हो जाएगा 7 × x, यानी कि 7x, और इज इक्वल टू कितना, 5 की वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और प्लस ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए ये 7x है और ये 10x है, इसका सोल्यूशन यहाँ करते हैं आगे का, ठीक है। ये 7x है और ये 10x है, 7x को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10x में से 7x जाएगा तो ये 3x मिलेगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए 20 को अगर हम इधर लेके आते, 20 को इधर लेके आते तो क्या मिलेगा हमें, 36। तो यहाँ x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब x की जगह अगर हम 12 रखते हैं, ये ए ब्रांड है, ये बी ब्रांड है, और ए का जो है हमने 4 शर्ट खरीदनी थी, और बी की कितनी खरीदी हमने, 12 खरीदी। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 1:3 इनका रेशियो हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि दो क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम कराए हैं, इसमें अब आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। देखिए मैं तेजी से रिपीट करूंगा, ए की 4 शर्ट है, बी की एक्स है, इसका प्राइस 2 है, इसका 1 है, तो बिल कितना बनेगा, 4 × 2 = 8, और ये एक्स की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बनेगा, इनकी संख्या इंटरचेंज हो गई तो ये 4 इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, ठीक है। बिल कितना बनेगा, 2x बनेगा, और 4 × 1 यानी कि 4 बनेगा। अब वाला बिल पहले वाले से 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा होने का मतलब है कि पहले वाला 100 था तो अब कितना है, 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है, यानी कि कितना हो गया, 140, 140 हो गया। अब यहाँ देखें तो 20 सत्ते हो जाएगा, 20 पंजे हो जाएगा, ये 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और ये 7x हो जाएगा, और 5 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये आपका 5 × 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू 12 आ जाएगा, एक्स की जगह 12 रखेंगे, रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। तो लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी दी है, 5:3 दी है। पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, मैं इसको एग्जाम में कैसे करूंगा, ठीक है। पहले एग्जाम मेथड आप इसमें देखेंगे, और जब भी मैं ये कहूँ आपसे कि भैया देखो एग्जाम मेथड यानी कि एग्जाम में कैसे हैंडल करेंगे, तो आपके कान आमिर खान की तरह हो जाने चाहिए, यानी कि कोई भी वर्ड क्या है आपका इधर उधर से नहीं निकलना चाहिए, अगर इधर से निकल भी रहा हो तो कान से वापस टकराए और आपके कानों में आए, ठीक है। एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुने जब भी मैं आपसे एग्जाम मेथड की बात करूं, तो ध्यान से देखिएगा। उसने पूछा है लड़कों की संख्या, तो ध्यान से देखिए लड़कों की संख्या, अगर लड़कों की संख्या देखे तो कितनी है, 5 है, तो यानी कि जो लड़कों की संख्या वो कितनी है दोस्तों, 5 है, यानी कि मेरा जो आंसर होना चाहिए, जो लड़कों की संख्या होनी चाहिए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। पर ये चारों ही ऑप्शन मेरे 5 के मल्टीपल है, लेकिन उसने कहा कि अगर 50 लड़के स्कूल छोड़ दें, तो 50 लड़के अगर स्कूल छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ 250 बचेंगे, यहाँ पे 400 बचेंगे, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 450 बचेंगे, और यहाँ पे 550 बचेंगे, ठीक है। तो अगर 50 लड़के स्कूल छोड़ दें तो लड़कों का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 9 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि लड़के कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो 50 लड़के यानी कि 50 घटाने के बाद वो 9 से कट जाना चाहिए, 9 से कौन कट रहा है, 450 कटेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे सुनिएगा बहुत ध्यान से, अब बात है डिटेल की, तो डिटेल में भी करते हैं। देखिए अब अगर डिटेल में देखें तो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स कितना है, 5:3, ठीक है, 5:3। अब 50 लड़के स्कूल छोड़ गए, तो मैंने यहां लिख दिया 50 लड़के स्कूल छोड़ गए और 50 लड़कियां आ गई, 50 लड़के स्कूल छोड़ गए और 50 लड़कियां आ गई। तो ध्यान से देखिएगा अब रेशियो कितना हो गया, 9:7। अब आप मुझे यहां एक चीज बताइए, अगर आपके पास 100 रुपया है, मैं कहूँ आपको मैंने 50 रुपये दे दिए और थोड़ी देर बाद 50 वापस ले लिए, फिर से सुनिए मेरी बात, आपके पास 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, मैंने 50 आपको दे दिए और 50 आपसे ले लिए, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, सोच के बताइए, ठीक है। यानी कि टोटल पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि 50 लड़के चले गए, 50 लड़की आ गई, तो टोटल तो जो पहले था वही अब है, तो
तो इसका मतलब है टोटल पहले कितना था, 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों 8, 9 और 7 कितना हो गया 16। देखिए टोटल पहले कितना था 8 और अब कितना है 16, तो ये टोटल तो चेंज नहीं होना चाहिए, टोटल तो जो पहले था वही अब होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और 3 दूने 6 आ जाएगा। अब जो हमारा रेशियो बनेगा, देखो ये बन गया हमारा रेशियो, यानी कि लड़के पहले कितने थे 10 और लड़कियां कितनी थी 6, अब लड़के कितने हैं 9। तो ध्यान से देखना, अब लड़के कितने कम हो गए 1 यूनिट और लड़कियां कितनी कम हो गई, ये भी 1 यूनिट कम हो गई। तो ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट लड़के आ गए और 1 यूनिट लड़कियां चली गई। 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ यहाँ पे 50 लड़के, तो यानी कि 1 यूनिट का मतलब हो गया 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 10, यानी कि लड़के कितने थे 10 यूनिट थे, 10 का मतलब हो जाएगा 500, 10 का मतलब कितना हो जाएगा 500, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स कितने थे 5:3 था, ठीक है। इसके बाद देखे तो 50 लड़के चले गए, 50 लड़के आ गए तो रेशियो हो गए 9:7, 50 चले गए और 50 आ गई, तो इसका सीधा सा मतलब है कि टोटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, टोटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टोटल यहाँ 16 है, यहाँ कितना है 8 है, तो दोनों को बराबर कर लिया, 8 16 का एलसीएम 16 ही होता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूने 10 और 3 दूने 6। अब देखिये लड़के 1 यूनिट कम हो गए, लड़के 1 यूनिट ज्यादा हो गई, तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 50 स्टूडेंट, यानी कि 10 यूनिट का मतलब, यानी कि लड़के कितने थे 10 यूनिट थे, 10 यूनिट थे, तो 10 × 50 कितना हो जाएगा 500, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है। अब मैंने आपसे एक ही बात कही थी, जब भी बीच में यहाँ बराबर का निशान आ जाए, देखो ये बराबर का निशान, ठीक है, बीच में बराबर का निशान आ जाए, वो 4 बिंदी आ जाए आपकी, तो हमने क्या करना है, नजदीक नजदीक वालों की मल्टीप्लाई और दूर दूर वालों की मल्टीप्लाई, नजदीक नजदीक वालों की मल्टीप्लाई और दूर दूर वालों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब आप तो मुझे ये तो पता है कि नजदीक नजदीक की मल्टीप्लाई का मतलब ये होगा कि जो 3 की मल्टीप्लाई वो किस में होगी, इस वाले में होगी, ठीक है, और 5 की जो मल्टीप्लाई होगी वो इस वाले में होगी, ठीक है। चलिए काम करते हैं शुरू, देखिए 3 दूने कितना हो जाएगा 6, मैं यहां लिख देता हूं A अनुपात B, ठीक है, A अनुपात B, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 3 दूने कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6A, और ये देखिए 5 की A में गुणा करेंगे तो 5 × A, यानी कि 5A, तो 6A 5A 6A और 5A और दोनों प्लस के हैं, तो हमने क्या बताया था, अगर साइन सेम है तो क्या करेंगे, उनका अंतर करेंगे, उनका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 6A में से 5A जाएगा, तो A बचेगा, और A का यहाँ पे कोफिशियंट यानी कि गुणांक कौन है, 1 है, और जो A के साथ है वो किसका रेशियो बनता है, B का रेशियो बनता है, ठीक है। अगर आपने मेरी पहली क्लासें नहीं देखी तो आपसे मेरी आप पहले वो क्लासें जरूर देखिए, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने पहली दूसरी क्लास में ही आपको डिटेल में बता रखा है कि क्यों हम नजदीक नजदीक वालों की गुणा करते हैं और दूर दूर वालों की गुणा करते हैं, क्योंकि मैं हर बार डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, देखो नजदीक वाले में 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 5 × 3 = 15 हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए 5 × 3 = 15 और 4 × 3 = 12, तो 15 यानी कि 15 और 4 × 3 = 12 यानी कि 12, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया, 3B, और B के साथ जो आएगा वो A का रेशियो बनेगा, यानी कि इनका रेशियो बन जाएगा 3:1, ठीक है, इनका रेशियो क्या बन जाएगा 3:1, ठीक है ना, 3:1 रेशियो हो जाएगा। तो आप A की जगह यहाँ 3 रखें और B की जगह 1 रखें, और A की जगह 3 रखें और B की जगह 1 रखें, तो 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 कितना हो गया ये 4, यानी कि 1:2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, तो 1:2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम अब देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आपका CHSL 2020 में पूछा गया है, कहा है कि संख्या A का 50% दूसरी संख्या B में जोड़ने पर B 25% बढ़ जाता है, B कितना बढ़ जाता है 25%, इनके 25% B जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका ऑप्शन से हो जाएगा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपका ठीक होना चाहिए बस। तो ध्यान से देखिए एक बार जरा, अगर मैं सी ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दूं जरा सा, तो ध्यान से देखिए एक बार, ये 1 है और ये 2 है, ध्यान से देखिएगा, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। पहले वाले का 50%, तो 1 का 50%, 1 का 50% कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं 0.5 दूसरे वाले में जोड़ दूं, ध्यान से देखिए, इसका 50% अगर इसमें जोड़ दे तो ये कितना बनेगा, ढाई बनेगा, 2.5 बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसका 0.5 दूसरे में जोड़ दूं तो इसमें कितने की वृद्धि होगी, 0.5 की होगी। तो 0.5 की वृद्धि अगर हम 100 पे निकालते हैं, ठीक है, 0.5 की वृद्धि यहाँ अगर हम 100 पे निकालते हैं तो दोस्तों देखो, एक जीरो से ये जीरो हट जाएगी तो ये कितना होगा, पॉइंट तो हट जाएगा यहाँ पे, और 5 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50/2, यानी कि 25%, ठीक है। यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, वेरीफाई कर लिया हमने तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा, ए का 50% दूसरी संख्या में अगर हम जोड़ते हैं तो इसका 50%, एक का 50% हो जाएगा 0.5, और 0.5 को अगर हम दो में जोड़ते हैं तो ये कितने की वृद्धि होगी, दो पे 0.5 की वृद्धि। या यहीं से देख लेते हैं, 0.5 इसको कितनी बार काटेगा, 4 बार काटेगा, ये 0.5 इसको कितनी बार काटेगा, 4 बार काटेगा, यानी कि 1/4, और 4 पे कितना बढ़ जाता है, 25% हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन वेरीफाई कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, देखिए 6300 रुपीज हैं, ठीक है, 6300 रुपए को एक्स वाई जेड में इस प्रकार से बांटा जाता है कि एक्स अनुपात वाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, एक्स अनुपात वाई बराबर कितना दिया है, 7:5, 7:5, और आगे जो है वाई इज टू जो जेड है उसका वैल्यू कितना दिया है, 4:3, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये y पे खत्म हो रही है, y से शुरू, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, उल्टा n लगा देंगे, और यहाँ पे अगर उल्टा n लगाएंगे तो ये 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, ये 5 चौके कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, और ये 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो 20 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 35 हो गया, 35 और 28 कितना बैठ गया, ये 63 यूनिट बैठ गया, और 63 यूनिट किसके बराबर है, देखो यही तो पैसा हमें डिवाइड करना है, यानी कि 6300, 6300 यही हमें क्या है, एक्स वाई जेड में डिवाइड करना है, बांटना है, तो यानी कि 63 यूनिट किसका, कितने के बराबर हो जाएगा, 6300 के बराबर हो जाएगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 100 के इज इक्वल टू हो जाएगा। तो यानी कि हमें हिस्सा किसका बताना है, वाई का बताना है, और वाई का जो हिस्सा है यहाँ पे देखो, वाई का हिस्सा यही तो है हमारा 20, तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी अगर हम यहाँ पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा, यानी कि 2000, तो 2000 हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 2000, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये 2000, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन टफ नहीं था, मुझे लगता है रिपीट करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी फिर भी देख लो एक बार, एक्स अनुपात वाई कितना है, 7:5 है, ये वाई अनुपात जेड कितना है आपका, 4:3 है, दोनों में उल्टा एन लगाया तो हमें क्या मिलेगा, 7:4 कितना आ जाएगा, 28, 5:4 कितना आ जाएगा, 20, और 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इनको जोड़ दें हम तो कितना बैठ गया, 63 यूनिट बैठ गया, और 63 यूनिट का मतलब हो जाएगा 6300, यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 हो गया, और 20 का कितना हो जाएगा, 20 गुना 100, यानी कि 2000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, देखिए इस बैच की कोई फीस तो है नहीं, ठीक है, तो आपसे जो मैं फीस मांग रहा हूँ वो सिर्फ इतनी सी मांग रहा हूँ कि आप जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अब इसने दोस्तों यहाँ पे देखो क्या कहा है हमसे, इसने कहा है कि सीमा, कोमल और रीता में एक राशि को बांटा गया है, सीमा इज टू कोमल, क्या दिया है, 1.5 और 2। तो देखिए जब भी आपका पॉइंट में आ जाए ना, जैसे ये 1.5 है तो आपको रेशियो में क्या करना है, पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं 1.5 इसमें से पॉइंट हटाऊंगा तो क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 दूने कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 दूने कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, इसमें भी आगे देखिए, कोमल और रीता का हिस्सा, यानी कि कोमल और रीता का हिस्सा, तो कोमल और रीता का जो हिस्सा है उसमें भी देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 2.5,
2:2.5, और इसमें से भी जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, और 2.5 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल में हमें पेन उठाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना है 2 है, और यहाँ भी कितना है 2 है, यानी कि जो इसमें कॉमन कौन है, कोमल, कोमल का जो हिस्सा है देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 था। तो चाहते हम इसे डायरेक्ट भी कर लेते, ठीक है, लेकिन समझाना मेरी मजबूरी है, यानी कि अगर मैं इसे डायरेक्ट चाहता तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था। ध्यान से देखिए, सीमा, कोमल और रीता, हम ये जानते हैं कि दोनों में देखो कोमल जो है वो कॉमन है, कोमल यहाँ भी और कोमल यहाँ भी, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे 1.5 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3, कोमल कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, और रीता कितना हो जाएगा आपका 2.5 × 2 = 5। हम चाहते तो डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते थे इसका, लेकिन मैंने कहा कि समझाना मेरी मजबूरी है तो मुझे तो यहाँ पे हर चीज लिख के चलनी पड़ेगी, लेकिन एग्जाम में आपकी मजबूरी नहीं है, आप एग्जाम में कम से कम पेन चलाए, कम से कम, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एक बार, अब यहाँ पे देखो हमें उल्टान लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें उल्टान क्यों लगाते हैं, उल्टा एन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो बीच में होता है ना, ये यहाँ पे के यहाँ पे के, तो ये 4 और ये 4, इनको बराबर करने के लिए तो लगाते हैं हम, जो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, और जब ये पहले से ही बराबर है तो उल्टा एन लगाने की हमें आवश्यकता है नहीं। तो इसका मतलब है कि सीमा का हिस्सा कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, और कोमल का हिस्सा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और रीता का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यानी कि 5 × 4 = 9 कितना हो जाएगा 12, ये 12 यूनिट जो हमें है, 12 यूनिट जो इनका टोटल बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है 12 यूनिट बैठ रहा है, और 12 यूनिट का मतलब कितना है देखो 3600 रुपया है, तो 12 यूनिट का मतलब कितना है 3600। तो अगर हम यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू देखें तो कितना है आपका 300, ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 300 है। तो हमें बताना है किसका, रीता का हिस्सा बताना है, रीता देखो यहाँ पे है, और रीता का हिस्सा कितना हो जाएगा 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट का अगर हम वैल्यू देखते हैं तो 5 × 3 = 15, यानी कि 1500 इसका क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा 1500 रुपया, ठीक है। 1500 कहाँ पे है, पहले ऑप्शन में है, तो रीता का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखो रीता का हिस्सा हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सीमा कोमल और रीता का ये क्या हो गया, रेशियो आ गया 3:4:5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब देखो इसने हमसे क्या कहा, इसने हमसे कहा है कि तीन संख्याओं का जो योग है ना वो 79 है, तीन संख्याओं का जो योग है ना वो कितना है 79 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 4:7, यानी कि 4:7, तो सबसे पहले उसने कहा कि हमें दूसरी संख्या बताएं। तो मैंने कहा दोस्तों एक चीज आप हमेशा याद रखें, सॉल्व करें इतना जरूरी है जितना, जरूरी है जितना, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, हमें कंपटीशन में देखने में जब हम शुरुआत करते हैं, तैयारी करते हैं अपनी कंपटीशन के लिए, तो शुरुआत में हमें तैयारी थोड़ी आसान लगती है कि चलो नहीं हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बहुत बारीकी से काम करने की आवश्यकता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं मिलती सफलता, एक जुनून सा जगाना पड़ता है, और कैसे बनता है घोंसला, चिड़िया से जाके पूछो तो तिनका उठाना पड़ता है, यानी कि बहुत बारीकी से आपको तिनका उठा के एक एक चीज अपनी पॉकेट में डालनी पड़ेगी, ठीक है। पहले हमें डिटेल में सीखना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या होता है हमारा लर्निंग, यानी कि सीखना, और दूसरा स्टेप होता है कि इसको एग्जाम में कैसे हैंडल करेंगे। अब एक क्वेश्चन आप जो है 5 लाइन में सोल्व कर रहे हो, तो डिटेल में मतलब 5 लाइन में सोल्व करे तो डिटेल में हमने सीख लिया उसको, कैसे कैसे उसमें एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरा स्टेप, ठीक है, वो सब मैंने सीख लिया। पर एग्जाम में भैया मैं 5 लाइन लिख के तो नहीं करूंगा, 5 लाइन लिख के करूंगा तो ये तो मेरा 2 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में जब हम करेंगे तो एग्जाम में हम इस प्रकार से करेंगे कि भाई हमारा टाइम कम खराब हो, ठीक है ना, यानी कि लिखने का प्रयास कम करेंगे, प्रयास ये करेंगे कि एक तो स्टेप स्किपिंग करेंगे, यानी कि जो 5 लाइन का क्वेश्चन है उसे प्रयास करेंगे 2 लाइन में खत्म हो जाए, ठीक है, और 2 लाइन का है तो वो बिना पेन के ही हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा सोल्व करें इतना जरूरी है जितना। तो यहाँ पे देखिए अब इसने क्या कहा कि दूसरी संख्या हमें बतानी है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी है, देखो 7 है, तो 7 से ये नहीं कटता, ये कटता है, ये कटता है, ये भी नहीं कटता, तो 7 से ये दोनों डिवाइड होते हैं। अगर एक ही ऑप्शन होता है यहाँ पे 7 से डिवाइड होने वाला तो मेरा आंसर आ गया था, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। यहाँ देखिए दूसरी संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो यानी कि जो दूसरी संख्या है वो मेरी 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो 4 से कौन सी डिवाइड होगी दोस्तों, ये तो नहीं होगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 28, आंसर मेरा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी काम को एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, इस सारी चीजों को लिख के करेगा, लिखने का मतलब ये हो गया कि ये पहली संख्या है अनुपात, ये दूसरी संख्या, ठीक है,
तो रेशियो कितना है, 4:7, ठीक है। और सेकंड और ये आपका थर्ड, इनका रेशियो कितना दिया है, 4:5 दिया है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि भाई यहाँ हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे वही उल्टा लगाना है, यानी कि पहली संख्या कितनी आएगी, 4 × 16, दूसरी आ जाएगी 7 × 28 और तीसरी आ जाएगी 7 × 5 = 35। इनका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 79 आ जाएगा। 79 यूनिट किसके बराबर है, 79 के बराबर है। तो ये दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो ये 28 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर इतना काम हमने किया एग्जाम में, इसमें हमारे 10-20 सेकंड फालतू में खराब हो रहे, जबकि क्वेश्चन है हमारा 5 सेकंड का, सोल्यूशन है इसका 5 सेकंड, सवाल पढ़ने के बाद 5 सेकंड आपको लगेंगे नहीं पूरे घड़ी में, चेक कर लेना आप, ठीक है। और जबकि ये सारा काम करेंगे तो हमें कम से कम आप मान के चलिए इनको लिखने में एक बार मुंडी ऊपर होगी, एक बार नीचे, 2 बार ऊपर देखेंगे, 2 बार नीचे, तो इसका मतलब है कि हमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। यानी कि फालतू में 15-20 सेकंड खराब हो जाएंगे हमारे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बातें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, देखिए हमसे पूछा गया है कि a:b है 3:5, तो 2a, ध्यान से देखिएगा, 2a+, मैं इसको यहां लेता हूं, देखिए 2a+b/3a-2b, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे रैशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण। परिमेयकरण किसे कहते हैं हम, कि देखो नीचे निशान कौन सा है, माइनस का है, माइनस का उल्टा निशान ले लो आप प्लस का, प्लस के निशान से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a+ हो जाएगा 2b, ठीक है। और यहां अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 3a+2b, ठीक है। अब देखिए, अब जब हमने इसका ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमें ये पता है। अब आगे देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं इनको भी, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे तो देखिए 3 × 2 = 6, पहले में देखिए 6a² आ जाएगा, फिर देखिए 2a की मल्टीप्लाई 2b में करेंगे तो दोने कितना आ जाएगा, ये 4ab आ जाएगा प्लस। अब देखिए b की मल्टीप्लाई, यहाँ पे b की मल्टीप्लाई 3a में करेंगे, अगर b की मल्टीप्लाई 3a में करेंगे तो ये आ जाएगा 3ab 3ab, और इसके बाद हम देखिए इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 2b² + आ जाएगा आपका 2b², ठीक है, अपॉन। ध्यान से देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो देखो a-b a+b, यानी कि आपका जो है वर्गांतर का नियम बन रहा है x² - y² वाला, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3×3 9a² और ये हो जाएगा माइनस आपका 4b², ठीक है, = अब हम ये जानते हैं कि, ध्यान से देखिएगा, बल्कि यहीं पे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ लिखते हैं तो देखिए 6a², ठीक है, और प्लस हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7ab, और प्लस हो जाएगा 2b² अपॉन, ये हो जाएगा 9a² - 4b², ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो देखिए बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना है 3 है और बी का वैल्यू कितना है √5 है। तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3×3 9 रखेंगे और 9 × 6 कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। देखिए 3×3 9 × 6 कितना हो गया, 54 हो जाएगा प्लस 7ab, देखो ये 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3√5, 7 के साथ करेंगे तो 21√5 हो जाएगा, यहाँ पे 21√5, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा एक बार, ए बी की गुणा करेंगे तो 3√5 आ जाएगा और 7 के साथ गुणा करेंगे तो 7×21√5, ठीक है, प्लस आगे देखिए b², b का मतलब हो जाएगा √5 का, अगर हम वर्क करेंगे तो 5 रह जाएगा और 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा अपॉन। अब यहाँ पे देखिए 3×3 9, यानी कि a की जगह अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3×3 9, 9 × 9 में कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और माइनस 4b² 4b² b की जगह वही हमने क्या रखना है, b की जगह √5 रखेंगे, √5 रखेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, और 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां अगर हम देखें तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर 81 में से 20 घटाते हैं तो क्या बचेगा दोस्तों, 61 बचेगा, यानी कि 61 कितना बचेगा, 61।
और ऊपर देखिए 54 और 10 कितना हो जाएगा 64, यानी कि 64, और प्लस कितना आ जाएगा आपका ये 21 रूट 5, 21 रूट 5, ठीक है। 64 प्लस कितना आ जाएगा 21 रूट 5, ठीक है। अब अगर हम इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/61, और ये कितना आ जाएगा 64 प्लस 21 रूट 5। अब ये हमें कहाँ मिल रहा है, अब इसमें देख लीजिए आप ऑप्शन में, यानी कि ये हमें यहाँ मिल रहा है डी ऑप्शन में, ठीक है। ये हमें कहाँ मिल रहा है, डी ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार मैं इसको जो है रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये है 2a + b और इज टू है 3a - 2b, 2a + b 3a - 2b। माइनस वाला जिसका कंजुगेट है उससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे 3a + 2b और 3a + 2b। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a की 3a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6a² हो जाएगा 6a², फिर b की यहाँ करेंगे तो 3ab, और 2 की यहाँ करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा आपका ये 4ab, ठीक है। 2a और 2b कितना आ जाएगा 4ab और 3ab, ठीक है। और जब यहाँ पे बी की 2b के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2b², ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा ये 7ab हो जाएगा। अब ये 6a² + 7ab + 2b² = 9a² - 4b². अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए आप, a का वैल्यू कितना देखिए 3 है, जब हम यहाँ a की जगह 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 54, ठीक है। इसके बाद a और b देखो, यहाँ पे a देखिए a की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे 3, और यहाँ क्या रखेंगे हम √5, ये 3 रखेंगे √5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 21 √5, और यहाँ b है तो b है यहाँ पे 5, यानी कि b का वैल्यू कितना है यहाँ पे √5 है, तो यानी कि b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद a की जगह 3 रखेंगे, 3 × 3 = 9 = 81 माइनस, और ये b है तो b की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों वही √5 का वर्क करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 × 2 = 20, 81 में से 20 = 61, और आगे तो आपको पता ही, अब तो आंसर ही आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने डाउट में पूछा है। चलिए एक व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति उसके पिता की आयु, मैं यहां लिख देता हूं, एक व्यक्ति है, पहले यहां देखिए आप ये कौन है व्यक्ति, तो ये आयु किसकी है देखो 4 व्यक्ति की होगी, और उसके पिता यानी कि उसके फादर की कितनी होगी 5 होगी। फिर यहां देखिए, फिर कहता है उसी व्यक्ति यानी कि व्यक्ति, व्यक्ति की आयु कितनी है यहाँ पे 6। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो इसको तो हटा देता हूँ, मैं सिर्फ सर्किल में उसको करता हूँ जिसको यहाँ पे ये बार बार मेंशन कर रहे हैं, यानी कि दोनों में जिसको उसने मेंशन किया है ना कॉमन, मैं उसको सर्किल में करता हूँ। कॉमन कौन है देखो, व्यक्ति और उसका पिता, तो व्यक्ति यहाँ भी है, और फिर व्यक्ति और उसका पुत्र, वो व्यक्ति यहाँ भी है, तो यानी कि व्यक्ति की आयु यहाँ कितनी है 4, व्यक्ति की आयु यहाँ कितनी है 6। तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा, चाहे मैं कहीं भी और किसी भी प्रकार का मैं क्वेश्चन करूं, अगर दो आर्टिकल्स हो या दो वस्तु या दो व्यक्ति हो, उनका रेशियो अगर दो रेशियो में कॉमन आ रहा हो तो सबसे पहले आप उसे इक्वल करिए, बाकी की कहानी फिर उसके बाद में ही करेंगे जो भी होगी, ठीक है। हमेशा पहले सबसे पहले क्या होगा, इनको बराबर करने से ही आगे का सोल्यूशन होगा, तो आगे की कहानी जो भी होगी वो आगे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 और 6 को बराबर करेंगे, जब 4 6 को बराबर करेंगे, हम यहीं के यहीं कर लेते हैं, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया। 12 का मतलब मैंने यहाँ लिखा ये मैन, फिर इसका फादर और ये सन, ठीक है। तो मैन कितना देखो 4 6 का एलसीएम हो गया 12, मतलब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ कितने से गुणा करेंगे हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 × 12 और 3 × 5 कितना हो गया 15, यानी कि 15, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो 6 × 12 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर है ना दोस्तों, कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर ये कहता है कि 4 वर्ष पहले, देखो ध्यान से, 4 वर्ष पहले ये जो अनुपात था ये 11 14 और 11 1 हुआ करता था, यानी कि फिर से देखिएगा व्यक्ति की आयु कितनी 11 और व्यक्ति की आयु कितनी 11, तो यहाँ आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा व्यक्ति की आयु यहाँ कितनी है 4 वर्ष पहले 11, और व्यक्ति की आयु 4 वर्ष पहले फिर से कितनी है 11, तो इसमें तो ऑलरेडी बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ 4 थी यहाँ 6 थी इसलिए हमने बराबर किया, लेकिन यहाँ पे देखो 11 11 है तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा। अब 4 वर्ष पहले देखो, मैं यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष
ठीक है, 4 वर्ष पहले जाएंगे तो व्यक्ति की कितनी हो गई, 11 हो गई, उसके फादर की कितनी हो गई, 14 हो गई, और पुत्र की कितनी हो गई, 1 हो गई। अब क्वेश्चन में सब कुछ बना बना दे रखा है, बस आपका ऑब्जर्वेशन अगर थोड़ा सा ठीक है तो देखिए, 4 वर्ष पहले, आज ये 12 का है तो 4 वर्ष पहले कितने का था, 11 का था, इसके पिता आज 15 के हैं तो 4 वर्ष पहले कितने के थे, 14 के थे, और पुत्र आज 2 यूनिट का है तो 4 वर्ष पहले कितने का था, 1 का था। यानी कि हमें ये पता चल गया तीनों में जो अंतर आ रहा है ना, देखो दोस्तों, 1 का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, देखो ध्यान से देखिएगा, 1 का अंतर है तो 1 का मतलब हो गया ये 4 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 यूनिट हो गया हमारा 4 वर्ष। ठीक है, तो आज अगर मैं देखूं तो आज इसने कहा है कि अब से 12 वर्ष के बाद पोता और दादा, तो मैं लिख देता हूं दादा, दादा का मतलब यहाँ पे इस व्यक्ति के फादर हैं दादा, और पोते का मतलब ये सन है, यहाँ पे लिख देता हूँ सन। ठीक है, तो आज के टाइम में अगर देखें तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि आज इनकी उम्र कितनी है, 60 है, और पुत्र की कितनी है, 4 दुने 8। अब 12 साल के बाद, 12 साल के बाद ध्यान से देखिएगा, 12 साल के बाद ये कितने के हो जाएंगे, 72 के हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 20 के हो जाएंगे। अब अगर इनका हम रेशियो निकालते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दादा अगर देखें हम तो इसको 4 से काटेंगे, हम 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि 18:5 हो जाएगा। 18:5 कहाँ पे है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि देखिए, क्रम की बात करें तो पोते की आयु पहले आनी चाहिए थी, यानी कि 5:18 होना चाहिए था, पर वो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हमने 18:5 आपका आंसर मार्क कर दिया। अब दूसरी बात यहाँ पे गौर से देखिएगा, अगर ये यानी कि 18:5 और 5:18, यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसा आ जाता, जैसे मैं कह दूं इसकी जगह हमारा कितना हो जाता, 18:5, तो यही 5:18 हो जाता, यानी कि यहाँ पे 5:18 हो जाता। ठीक है, तो फिर हम इसको आंसर मार्क करते क्योंकि पोते की बात उसने पहले करी है, पर लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो एक ही ऑप्शन है 18:5, तो ये हम आंसर मार्क कर लेंगे अपना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात कही है कि अगर आप फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो अब SSC का बुड्ढा है भाई, ठीक है, फ्रैक्शन तो अध बध के आपको आपके आड़े रखेगा, यानी कि हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपका फ्रैक्शन से ही सामना होता है। और मैं आपसे पहली क्लास में कहा हूं कि भाई आप इस फ्रैक्शन पे अपनी कमांड कर लीजिए, 1 घंटा इस फ्रैक्शन पे काम कर लीजिए, तो जिंदगी में आपको मैं कहता हूँ 40% गणित आपकी मुट्ठी में आ जाएगा सिर्फ 1 घंटे के अंदर, समझ गए बात को। अब देखिए, इसने क्या कहा कि राजू एक पिज्जा खाता है, पिज्जा खाने का यहाँ ये मतलब हुआ कि अगर उसके 8 हिस्से तो 3 उसने खा लिए, तो कितना बच गया, 8 में से 5 हिस्सा बच गया, 8 हिस्से थे, 3 उसने खा लिए, 5 बच गए उसके पास। अब आगे बढ़ते हैं, इनटू अब कहते हैं कि जो शेष पिज्जा है, अब जो ये शेष बच गया, इसका 3/10, ये एड्स नहीं है, एडम है दोस्तों, ठीक है ना, एडम, ठीक है ना, और एडम शेष पिज्जे का 3/10, यानी कि शेष अगर 10 है तो 3 किसने खा लिया, एडम ने खा लिया, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब 10 था तो 3 तो खा लिया, बच कितना गया, 7, और इसके बाद रेनू ने बचा हुआ पिज्जा कितना, अगर 7 बचा था तो 4 खा लिया उसने, 7 बच गया था तो 4 खा लिया, तो कितना रह गया, 3 रह गया, तो 7 से ये 7 कट जाएगा हमारा, और इसको देखेंगे तो ये 5 दुने 10 हो जाएगा, तो यानी कि ऊपर बचा 3 और नीचे कितना बचा, 8 दुने 16, तो 3/16 जो पिज्जा है वो अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3/16 पिज्जा अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैंने बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा मुझे अपना जो भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एक निश्चित राशि को ABCD के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 1:3 है, तो ध्यान से देखिएगा, A:B कितना है रेशियो, 1:3, B:C कितना है, 2:5, ठीक है, और C:D ये कितना है दोस्तों, 2:3, ठीक है, तो ज्यादा तो हम जानते नहीं, अगर हम ABCD का रेशियो निकालते तो मैंने आपको रेशियो निकालना यहाँ पे सिखाया था पहली क्लास में, तो देखिए
ये कितना हो जाएगा, दो दूने चार, ये फोर आ जाएगा। फिर आगे देखिएगा, तीन पंजे 15 और 15 दूने कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। हालांकि जरूरत नहीं है क्योंकि उसने बात जो करी है वो ए और सी के हिस्से के बीच की जरूरत करी थी, चाहे बी का नाम ही निकालते हम। अब अगर हम सी का हिस्सा निकालते, तीन पंजे 15, सॉरी मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दी, ध्यान से देखिएगा, दो दूने चार, एकम चार हो जाएगा, तीन पंजे सॉरी तीन दूने छः, छः दूने कितना हो जाएगा आपका ये 12। देखिए तीन दूने छः और छः दूने 12, तीन पंजे 15। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तीन पंजे 15 और 15 दूने 30 आएगा, और यह आ जाएगा हमारे पास तीन पंजे 15, 15 तीय 45। तो अब हमें ये पता चल गया यहाँ पे, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अब हमें ये पता चल गया कि ए का हिस्सा कितना है, चार है, और सी का हिस्सा कितना है, 30 है। यहाँ देखें, यानी कि दोनों का जो हिस्सा है, एक का चार है, एक का 30 है, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 यूनिट, ठीक है। और जो हमें डिफरेंस दिया है वो कितना है, 3510 दिया है। तो डिफरेंस कितना दिया है हमें, 3510, यानी कि 3510। अगर हम यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालते तो एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अगर एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एक बार, तो ये कटेगा ही कटेगा हमारे इसमें, और ये बचेगा हमारा कितना भाई, 26 थी 78 हो जाएगा, और 26 पंजे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 135 आ जाएगा। और हमें हिस्सा किसका बताना है, डी का बताना है, तो डी का कितना है, ये 45 यूनिट है, 45 यूनिट है, ठीक है। अगर 45 यूनिट है तो हमें ये पता चल रहा है, देखिए पांच की पांच के साथ मल्टीप्लाई करो आप, पांच की पांच के साथ करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, पांच आएगा, बाकी किसी में है नहीं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6075, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ सवाल को, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ए बी कितना है, 1:3 है, बी अनुपात सी कितना है, 2:5 है, और सी अनुपात डी कितना है, 2:3 है। तो देखिए दो दूने चार, एकम कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, फिर तीन दूने छह, दूने 12 हो जाएगा, तीन पंजे 15, 15 दूने 30 हो जाएगा, और तीन पंजे 15, 15 तीय 45 हो जाएगा। जब इनका रेशियो निकालते हैं, मैंने कहा था इस लाइन से शुरू करना है और उस लाइन पे जाना है, एक एक अंक को छोड़ते हुए, इधर से एक अंक छोड़ते चले जाओ, उधर का एक अंक पकड़ते चले जाओ, पहली क्लास में मैंने पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है। अब हमें ये पता चला कि ए और सी का जो डिफरेंस है वो यहाँ चार है, तो यहाँ 30 है, 30 और चार का डिफरेंस कितना हो गया, 26 हो गया। अब हम देखेंगे 26 एकम 26, ध्यान से देख लीजिएगा, 26 एकम 26 बच कितना गया, यहाँ पे आपका 9 बच गया, 91, 26 थी 78, 78 का मतलब हो गया 91, कितना बच गया हमारे पास दोस्तों अभी है, यानी कि ये बच गया हमारे पास 13, ठीक है। और आगे 0 130, और 26 पंजे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 135 का मतलब है कि एक यूनिट का वैल्यू हमें कितना निकालना है, 35 का वैल्यू, 45 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि उसने किसका हिस्सा पूछा है, डी का हिस्सा पूछा है, 45। तो इसका मतलब होगा, देखिए पांच की पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में पांच आएगा। कई बार आपको एग्जाम में क्या करना है कि ऑप्शन को थोड़ा ऑब्जर्व करके रखें, कैलकुलेशन करने से आपका पीछा छूट जाएगा, ठीक है ना, यानी कि कैलकुलेशन करने से आप बच जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए, इसने कहा है एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है, ठीक है। मैंने लिख दिया ये है एक्स और ये है वाई, जो इनकी इनकम है वो कितनी है, 5:4 है, और उनके मासिक व्यय का यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उनका जो रेशियो वो कितना है, 9:7 है। यदि वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है, तो ध्यान से देखिएगा, इसने कहा है वाई की इनकम, वाई की इनकम ये है दोस्तों, और एक्स का खर्चा ये है, कहते हैं ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो इनको अगर बराबर करते हैं तो 9:4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 9:4 का एलसीएम 36 आ जाएगा, यानी कि एक्स अनुपात वाई, फिर से निकाल लेते हैं एक बार, यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, 9 से गुणा करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एक्स की कमाई कितनी है, 45 रुपया, खर्चा कितना कर दिया उसने, 36 का, तो बचाए कितने, सेविंग कितनी करी उसने, 9 की, और इसने कमाए कितने, 36, खर्चा कितना कर दिया, 28 का, तो बचाए कितने, 8।
9:8, ये मेरा आंसर हो गया, 9:8 मेरा आंसर हो जाएगा, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बातें क्लियर होगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक्स अनुपात वाई कितना है, 5:4 है, एक्सपेंडिचर कितना है, 9:7 है। उसने कहा है कि वाई का जो इनकम है और एक्स का जो एक्सपेंडिचर, ये दोनों बराबर है। अब दोनों को बराबर कर ले, ये 45:36 हो गया, 36:28 हो गया, यानी कि 45 में से 36 गया 9 आ गया और 36 में से 28 गया तो कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, थोड़ा बहुत ही अंतर है। देखिए इसने कहा ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये ए है, ये ए है और ये बी है। अगर इनकी इनकम की बात करें तो इनकम कितनी है, 3 और कितनी है, 5। आगे देखिए सेविंग, सेविंग कितनी कितनी है, 2 है और कितनी है, ये 3 है। अब भाई ज्यादा हमें पता नहीं है, जो सवाल में दिया है उस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। अब तो ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। इसने कहा यदि बी की आय, ध्यान से देखिएगा, बी की आय, मैं क्या करता हूं इसको एक बार सर्किल में करता हूं, बी की इनकम, ठीक है, और उसके बाद क्या कहा इसने, ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। ये ए की क्या है, बचत है, यानी कि सेविंग है, ये ए की बचत है और ये बी की इनकम है। और उसने कहा बी की इनकम ए की बचत का 3 गुना है, 3 गुने का मतलब 2 × 3 = 6 होना चाहिए था, तो वो तो ये है नहीं, बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इनको बराबर कर लेते हैं, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 इसका मतलब है यहाँ 2 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए बी की इनकम 10 और ए की सेविंग कितनी, 10, पर बी की जो इनकम है ना वो इसकी 3 गुनी होनी चाहिए, बी की इनकम, ए की जो बचत है, मैं फिर से सर्किल में करता हूँ, इसकी 3 गुनी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, तो इसको 30 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो अब ये वाला रेशियो हमारा काम करेगा, देखिए जरा एक बार, यानी कि इनकी कमाई कितनी है, 18 ए की है और बी की कमाई कितनी है, 30 है। तो उसने कहा इनके खर्चे बता दो भाई कितने हैं, 18 रुपए ए ने कमाए, 10 रुपए बचाए, तो खर्चा कितना कर दिया, 8 का कर दिया, और इसने भी यहाँ पे देखो 30 रुपए यहाँ पे क्या करा, इसने कमाए और 15 का खर्च कर दिया, सॉरी 15 बचा लिया, तो यानी कि खर्चा कितना है इसका, 15 है, यानी कि 8:15 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें करना कुछ नहीं था, बस ये कहा था कि बी की जो इनकम है वो ए की जो सेविंग है उसका 3 गुना है, पहले इनको बराबर कर लिया हमने, 5 × 2 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, तो यानी कि यहाँ 2 से गुना करिए और यहाँ किससे गुना करिए, हमने 5 से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10, और यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 5 × 3 = 15 हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे देखिए, लेकिन यहाँ बी जो है उसकी इनकम कितनी है, इसकी 3 गुना है, तो यानी कि 10 × 3 = 30 होता है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और करेंगे, ये 18 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यानी कि इनकम में से अगर सेविंग घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्सपेंडिचर बचेगा। ठीक है, इतना तो आपका बेसिक क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखिएगा, अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, पहले तो आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर खाली ये बात पूछी गई होती कि भाई 9, 15, 21 और 31 में हम क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए, यानी कि प्रपोर्शन में आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करते कि फिर तो ये हमारा ऑप्शन से भी हो सकता था सवाल, ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा है कि भैया इनका, यानी कि जो भी इनका जो संख्या हमने इसमें जोड़ी है वो एक्स जोड़ी है या घटाई है, जो भी क्या होगा इसने, हाँ जोड़ा है, एक्स को जोड़ा है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे और इनका क्या बताना हमें, मध्यानुपाती बताना है, मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो पहले मैं आपको डिटेल से में बताऊंगा थोड़ा सा, यानी कि पहले कुछ स्टेप बढ़ा के चलेंगे और फिर कुछ प्रयास ये करेंगे कि, क्योंकि ये सवाल आपका लेंदी है, ठीक है, अगर पूरा का पूरा कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बच्चे देखो करते कैसे, ये 9 है, ये 15 है, ठीक है, ये 21 है, ये 31 है, कहता है कि ये दो संख्या होगी, ये दो संख्या होगी, इनमें क्या जोड़े कि ये जो है क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो हमने इसमें भी x जोड़ दिया, इसमें भी x जोड़ दिया, इसमें भी x जोड़ दिया,
इसमें भी एच जुड़ जाए, ये क्या हो गए, समानुपाती हो गए। समानुपाती का मतलब है बीच में चार बिंदी लगा ले, या तो आप चार डॉट लगा ले या बराबर का निशान लगा ले, बात वही है। तो हमने यहाँ बराबर का निशान लगा दिया, ठीक है। वैसे भी ये बराबर का निशान लगाने से सोल्व होगा, ठीक है। अब करना क्या, देखो इन दोनों का डिफरेंस करो, 15 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाता है दोस्तों, 6, और 21 और 31 का डिफरेंस करो कितना आ जाएगा, 10। अब इनको रेशियो में बदल दो, यानी कि रेशियो में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ लिख दो, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो यहाँ लिख दो आप, 2 यूनिट, ठीक है। और आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 5 देख रहे हो ना आप, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको इधर पहली संख्या में, यानी कि 9 × 5 = 45, और इसकी जो मल्टीप्लाई है वो करनी है आपको इधर, यानी कि 21 में। तो मैं कह रहा हूँ 9 × 5 = 45 और 21 = 63 का और 45 का डिफरेंस कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे आप 18, यानी कि 18। अब यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 1 यूनिट का जो वैल्यू है ना दोस्तों, ये आ गया एक्स का वैल्यू, यानी कि बेसिकली ये जो 1 यूनिट का वैल्यू आया है ये किसका वैल्यू आया है, आपका एक्स का वैल्यू आया है। अब जब हम एक्स का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ रखो, तो हम यहाँ कहेंगे कि भाई जब हम एक्स का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 9 × 3 = 27, 27 में से 2 गए, ये आ गया आपका 25, ठीक है। और जब 9 यहाँ रखेंगे, 9 × 5 = 45, 4 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट लगा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मध्य अनुपात निकल जाएगा, यानी कि मीन प्रपोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो मीन प्रपोर्शन की अगर बात करें तो देखो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 7, यानी कि 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 और 15 का डिफरेंस आ गया 6, 21 और 31 का डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। यानी कि अब इसको रेशियो में तब्दील करो, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो हम कहेंगे 9 × 5 = 45 और 21 = 63, क्लियर है दोस्तों। अब 63 और 21 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18, और आपको 5 और 3 का जो डिफरेंस करना है वो करना है 2, यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा, 2 का मतलब हो गया 18, 1 का मतलब हो गया 9। अब इसी काम को इतना तामझाम करके नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, इस काम को हम इतना तामझाम करके नहीं करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं यहीं पे, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, देखो यहीं से देखो, इन दोनों का डिफरेंस मन मन में सोचिए आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10, एक तरफ 6 एक तरफ 10, यानी कि 3:5, और 3 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे 3:5 लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा लिख लेते हैं अभी, ठीक है। तो हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। आप देखिए कितना पेन में चला रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब मैंने कहा जी 5 की जो मल्टीप्लाई आपको पहले, यानी कि 2 संख्या को मिला के एक रेशियो बनेगा आपका, ये पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा, चौथा, यानी कि 2 संख्याओं में रेशियो बनाना है, फिर इन 2 में बनाना है। तो रेशियो की जो पहली संख्या यानी कि 9, उसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको, और इसकी पहली कौन सी बनेगी, 21। तो हम कहेंगे 9 × 5 = 45, 21 = 63, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 18। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 1 का अगर 9 है तो यहाँ पे 9 रखेंगे तो देखिए 9 × 3 = 27 में से 2 गया 25, ठीक है, लिख देते हैं डायरेक्टली 25, और ये आ जाएगा 9 × 5 = 45, 4 = 49। लिखने की तो जरूरत है नहीं, पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा लिख रहा हूँ। तो यानी कि ये 5 बाहर आएगा, ये 7 बाहर आएगा, 7 × 5 = 35 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक बार पीछे कर देता हूँ, अगर आपने कुछ बात ऐसी हो जो नोट ना करी हो तो आप एक बार इसको क्लास को पॉज करके ये आप अपनी नोट कर ले, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए सेम क्वेश्चन है, आप पहले क्लास को पॉज करें और बिल्कुल सेम जैसे मैंने किया उस तरीके से इसको सोल्व करें, प्रयास करें कि पेन का प्रयोग हमें कम करना पड़े, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, 19 और 28 दोस्तों, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ गया, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, अब देखिए 11 में से 5 गए, 6 बचे, ठीक है, ये आ गया 36, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 1:4। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, चाहो तो आप मन मन में रख सकते हो और चाहो तो लिख लो, आपकी मर्जी है अभी शुरुआत में। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 19 के साथ होगी, देखो, ठीक है, तो 1976 हो जाएगा, और 55 की जो मल्टीप्लाई वो किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, ठीक है। यानी कि 1976 और 55 × 55 दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 21 आ गया, 21 डिफरेंस हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 7 के। अभी जो 1 यूनिट का वैल्यू आया है, मैंने बताया था जो 1 यूनिट का वैल्यू आया वो किसका वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। तो जब हम यहाँ एक्स का वैल्यू रखेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 × अब यहाँ देखिए 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49, यानी कि 49।
और इस पे रूट लगा देंगे तो मध्य अनुपात निकल जाएगा, यानी कि 4 × 7 यानी कि कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, 28 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है ना, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले 1928 का डिफरेंस आ गया 9, 55, 91 का डिफरेंस आ गया 36। अब रेशियो बनाया तो 1:4 डिफरेंस करेंगे तो 3 यूनिट, 3 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, देखो 1976 और 55 × 55 डिफरेंस करेंगे तो 21 के बराबर हो गया। 1 यूनिट का मतलब यहाँ 7 हो गया, 7 हो गया। अब 1 यूनिट का वैल्यू का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, एक्स का वैल्यू आ गया, और एक्स का वैल्यू आने का मतलब है कि यहाँ रखेंगे 7 × 9 = 7 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ 7 × 7 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो यानी कि 16 को बाहर निकालेंगे, 4 × 49 को बाहर निकालेंगे तो 7 × 7 = 28 हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से मेरी, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।